दिस इज स्पेशली फॉर यू। तो भाई ये हैदराबादी केक है, इनके रहमत शीरी का ये बॉक्स पैक है, आई थिंक ये बेटर ऑप्शन होगा, ये हम ले सकते हैं। सो गाइस बैग्स अम्मी के बिल्कुल रेडी है, ठीक है भाई, फाइनल पैकिंग हो चुकी है। अम्मी आर यू एक्साइटेड? अभी तो एक्साइटेड नहीं, अभी नहीं है। अच्छा प्लेन में बैठ के एक्साइटेड होंगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो भाई आज है ईद का दूसरा दिन और आज आपकी बहन ने पहना है ब्लैक ड्रेस, ठीक है भाई। ईद है तो क्या हुआ, ब्लैक से क्या फ़र्क पड़ता है भाई, आप ब्लैक तो कभी भी किसी भी दिन पहन सकते हैं, सही भाई। सो भाई आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा देर से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आज हमारी बहन जवेरिया साहिबा हमारे घर आई थी, ठीक है। तो अब चूँकि वो हमारी मेहमान हो चुकी है, सही है, तो भाई उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट हुआ था, काफ़ी ज़्यादा पकवान वगैरह का अरेंजमेंट था। भाई ईद पर आई है हमारे घर पहली दफ़ा, तो मतलब कुछ खास इंतज़ाम तो होना चाहिए था ना। तो बस सारा दिन जो है वो आज हम लोग खारे पकवानों में लगे रहे, सही है। सो बस उसके बाद फिर लंच वंच या देन बैठे और फिर ये टाइम हो गया, तो मैं कह चले आप लोगों से कनेक्ट करते हैं। सो भाई अब जवेरिया आई है तो अब उसको ईदी भी तो देनी है ना, ईदी का इंतज़ाम मैंने कर लिया और मैंने कहा पहली ईद है जवेरिया की शादी के बाद, पहली दफ़ा हमारे पास आई है ईद पे, तो उसको मैंने इस दफ़ा ज़रा कुछ स्पेशल ईदी देनी है, ठीक है। और मैंने कोई गिफ्ट उसके लिए लिया नहीं है, तो बस सिर्फ ईदी ही देनी है। तो ईदी मैंने सोची उसको दो तरह की देनी है गाइस, सही है, वो क्या वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और बाय द वे आ जाए फिर आज का व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते साथ ही, सही है भाई। सो भाई ये आप लोगों ने देखा है जो मैं ईद के एनवलप्स लेकर आई थी, ठीक है, इस पर मैंने ईदी रख ली है जवेरिया के लिए, ये आपको शो करते हैं, ये रखा हुआ है भाई, सही है। एक तो हो गई ये वाली ईदी, ठीक है, सेकंड ये देनी है मैंने, एक अदद मेरे पास बच गई थी तो मैंने कहा ये हम एक अदद ये देंगे जवेरिया को, ठीक है भाई। भाई ये तो जवेरिया जब से आई है ना बस हम लोग यही बोले जा रही है ईदी दे दें, ईदी दे दें, मतलब ईदी तो देंगे ही ना यार आपको, आप हमारे पास आई हो ईदी देंगे, सबसे बोल रही है ईदी दो ईदी दो, अब बताएं हम उसको ईदी नहीं देंगे क्या, ऐसी बातें कर रही है यार ये लड़की। ये लो जवेरिया मेरी तरफ से, सलाम करते हैं, आदाब करते हैं, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ईदी अच्छी होती है, नए नए नोट वाली अच्छी होती है, ये होती है गड्डी। ये लो एक और है ना, दो है ना, दिस इज स्पेशल ईदी फॉर यू, वालेकुम अस्सलाम। पूछे आप माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है, कोई नाराजगी तो नहीं है आपको? नहीं मैं नहीं नाराज। सबसे ज्यादा ईदी किसने दी है, मैंने या बाजी ने? बस अल्लाह ने। अब वो घर जा ये तो ये कोई बात नहीं है, बाजी घर जाके बता रहा है, घर जाके बता रहा है। अच्छा खैर सबसे ज्यादा तो भाई ने ईदी दी है, जो बात है सही है, मैंने भी नहीं इतनी ज्यादा दी होगी ना बाजी ने इतनी ज्यादा दी होगी, भाई ने ज्यादा ईदी दी, मुझे इससे भी ज्यादा ईदी मिल चुकी है, झूठी। सो गाइस वी आर गोइंग आउट फॉर सम तफरी, ठीक है भाई, जवेरिया आई तो हमने कहा जाते हैं उसको घुमा के लेकर आते हैं, और एक तो काम है हमें वो करने वो करते हैं, और उसके बाद घर आके आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है, और वो क्या है वो आप लोगों को मैं घर जाके बताऊँ, सही है। फिलहाल हम लोग अभी पार्किंग में घूम रहे हैं इधर से उधर, हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारी गाड़ी पार्क कहाँ हुई है, सही है, पापा ने कहीं और गाड़ी पार्क की है और वो बाजू को पता ही चल रहा है कि कहाँ खड़ी है, अभी वो ढूंढ रही है। फिलहाल फाइनली मिल गई भाई हमारी गाड़ी, भाई एटीएम से पैसे निकलवाने आए हैं और इसमें भी कड़क कड़क नोट निकल रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। यहाँ से हमें लेनी है कुछ मिठाइयाँ शिठाइयाँ, ठीक है, हम लोग लेंगे यहाँ रहमत श्री से और अंदर चल के देखते हैं कौन कौन सी मिठाई है। सो भाई यहाँ पे है मिठाइयाँ, सो भाई ये हैदराबादी केक है, इनके रहमत श्री का ये बॉक्स पैक है, आई थिंक ये बेटर ऑप्शन होगा, ये हम ले सकते हैं। चले जी फाइनली हम लोगों ने चीज़ें ले ली और अब निकलते हैं, बहुत ज़्यादा रश है भाई इधर। भाई ये स्वीट क्रीम पे आए हुए हैं हम लोग, सही है। सो अम्मी मुझे दो दिन से कह रही कि मेरा मिल्क शेक पीने का दिल चाहे, तो मैंने कहा आज आपको ज़रा मिल्क शेक भी पिला ही देते हैं, सही है, अम्मी का मूड है तो पिए तो सही ना। बताएं अम्मी कैसे है? अच्छा पी के बताएं, पिया है ना, अच्छा लग रहा है स्ट्रॉबेरी का? नहीं आप पिए, आप पिए, आप पिए ना। वही बाजी और जवेरिया जो गए हुए वो सामने ड्रॉप पे, ठीक है, बाजी का मूड था कि हम लोग कॉफ़ी पियेंगे, सो आज जवेरिया को भी हम लोगों ने कहा कि चलो हमारे साथ ज़रा कॉफ़ी पी लो आज तुम भी, तो वो लोग गए हुए कॉफ़ी लेने के लिए, वो लोग आते तो फिर देखते हैं कि भाई वो लोग कौन सी कॉफ़ी लेके आते हैं मेरे लिए। सो गाइस फाइनली हमारी कॉफ़ी आ गई, कॉफ़ी ना हो गई लग रहा है पाए हो गए, इतनी देर में आए हैं।
Hey guys, so भाई we are back home और बस घर आए, खाना वाना खाया, उसके बाद जवेरिया चली गई अपने घर। देन हमारे घर में कुछ गेस्ट आ गए थे, उन लोगों से फारिग हुई, तो मैंने कहा चले आप लोगों से अब कर लेते हैं कनेक्ट। भाई मैं आप लोगों को बताई थी कि मैंने आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है जो कि मैं आप लोगों को घर आके बताऊँगी। सो बात कुछ ये है कि गाइस अम्मी हमारी जा रही हैं कल भाई के पास, ठीक है, अब्रॉड। आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मेरे भाई जो है वो पाकिस्तान में नहीं होते, वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, सही है। सो कल अम्मी जो है उन लोगों के पास जा रही है, ठीक है। सो ये बात थी जो कि मैंने आपको बता शेयर कर ली थी, सही है। सो फिलहाल जो है अभी अम्मी लोग जो है अपनी पैकिंग कर रहे हैं फाइनल, ताकि जो है कल उनको सुबह सुबह उनकी फ्लाइट है, ठीक है, सुबह 6:30 बजे इंशाल्लाह ताला घर से निकलेंगे, उनको ड्रॉप कर जाएंगे एयरपोर्ट। तो अभी जो है वो सारी चीज़ें बिल्कुल फाइनल करके सोएंगे ताकि सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, बस सिर्फ जस्ट रेडी होंगे और निकलेंगे, सही है गाइस। सो गाइस बैग्स अम्मी के बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है भाई, फाइनल पैकिंग हो चुकी है और ये सब चीज़ें, ये जो हम लेने गए थे ये भी हम भाई के ही लिए लेने के लिए गए थे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है दूर जा रहे हैं, ईद वाले दिन जा रहे थे, कुछ मीठा तो होना चाहिए ना, सही है। सो इसलिए जो है यहाँ से हमने कुछ मिठाई वगैरह ले ली थी, लेकिन मिठाई हमने नहीं ली, हम लोगों ने जो है वो केक लिया है, ठीक है। आपको पता है लेके जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे सऊदी एयरलाइन जो होती है ना, ये बड़े भाई मसले करते हैं, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है चीज़ों से, खाने के लिए चीज़ें लेके जाना ना वहाँ पे मुश्किल होता है, तो कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें रखें जिनको जो ना कैरी करना मुश्किल ना हो, सही है। सो बस चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं, सुबह इंशाल्लाह निकलते हैं, सही, फिर सुबह आप उसे कनेक्ट करो। गुड मॉर्निंग गाइस, सो भाई वी हैव फाइनली लीव और हम लोग जो है अभी फिलहाल ऑन द वे है, ठीक है, हवाई अड्डे की तरफ हमारी रवानगी चल रही है भाई। सुबह सुबह बस भागे फटाफट उठ के, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अर्ली मॉर्निंग हमें घर से निकलना है, इसलिए रात भी सब कुछ फाइनल करके सोए थे। तो बस मैंने कहा अभी जरा आँखें गाड़ी में बैठ के प्रॉपर खोली है, तो मैंने कहा चले आप लोगों से कनेक्ट कर लेते हैं। गाइस अम्मी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बस ठीक है, अभी तो अम्मी आर यू एक्साइटेड? अभी तो एक्साइटेड नहीं, अभी नहीं है। अच्छा प्लेन में बैठ के एक्साइटेड होंगी, अभी अभी हाँ अभी लगेज पास हो जाए देन फिर एक्साइटमेंट शुरू होगी, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा इंशाल्लाह। बच्चों की चीजें हैं और हाँ बस सरप्राइजेस हैं उन लोगों के जो के वेट कर रहे हैं, वो लोग उनको इंतजार चीजों का। हाँ और क्या, दादो की आने की एक्साइटमेंट इसी वजह से तो है कि भाई प्राइजेस आएंगे ना, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, सरप्राइज चाहिए उनको। सो गाइस आप लोग भी अम्मी से मिलने हैं, अम्मी जा रही हैं काफी दिनों के लिए, अम्मी अब नजर नहीं आएंगी आप लोगों को ब्लॉग्स में, एक महीने के बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात हो। चले जी गाइस वी आर फाइनली रीच टू द एयरपोर्ट, ठीक है भाई, सामान हमने पकड़ लिया अपना और निकलते हैं अंदर के लिए। चले जी गाइस अम्मी रेडी हो चुकी हैं जाने के लिए, सही है भाई, चीज़ें भी सब अम्मी हो गई, सब सेट है, पासपोर्ट वगैरह पकड़ ले हाथ में, सही है भाई। चले अब अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और बस आपके खैरियत से पहुँचे इंशाल्लाह, और बस कुछ खा लीजिएगा, ठीक है, कुछ खाया नहीं है आपने भाई? अभी हम लोग पोर्टर का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अम्मी जाहिर सी बात है कि व्हीलचेयर में जाती है, अम्मी ज़्यादा चल ही सकती है, वो पोर्टर आ जाएगा तो फिर वो अम्मी को लेके जाएगा। चले गाइस फाइनली अम्मी रवाना हो गई हैं, खैरियत से पहुँचे अम्मी। सो गाइस हम लोगों ने अम्मी को कर दिया है ड्रॉप और नाउ वी आर गोइंग बैक होम, ठीक है भाई। हम लोग वेट करते हैं कि अम्मी अंदर चली जाएँ, इमिग्रेशन से क्लियर हो जाए अम्मी का, तो फिर हम लोग निकलेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम होती है कभी कभार, ऐसा होता है कि वो लोग कोई सामान निकलवा देते हैं, तो हमने कहा कि अल्लाह ना करे इनकेस अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग चीज़ें पकड़ लेंगे, सही है। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, सब चीज़ें जो है वो क्लियरली हो गई हैं, ओके, सही है भाई। तो ये बड़ा बड़ा टेंशन होती है, तो बस अब निकलते हैं घर के लिए गाइस। जी गाइस सो भाई वी आर फाइनली बैक होम, ठीक है भाई, अम्मी को ड्रॉप करके घर आ चुके हैं और अम्मी का जहाज़ भी टेक ऑफ हो चुका है, सही है। सो बस अभी जो है मैं किचन में हमें एक थोड़ा सा नाश्ता कर लिया, क्योंकि सुबह से उठे हुए हैं भाई, बगैर कुछ खाए पिए मैं तो निकल रही थी, वो तो खैर फिर भी चाय वगैरह पी ले रहे थे, तो अभी मुझे लग रही है भूख, चाय बनाते हैं, थोड़ा सा भी अजीब सा हो रहा है, नाश्ता करते हैं थोड़ा सा फ्रेश होते। चलें जी गाइस नाश्ता मेरा हो चुका है रेडी, चाय कड़क चाय एक महीने के बाद, और नान थोड़ा सा लग रहा है रेड हो गया ज़्यादा ही कुछ भाई, आज फ्राइडे है पर लग ही नहीं रहा कि आज फ्राइडे है, सही है। अभी फिलहाल जो है वो लंच वगैरह फारिग हुए, तो मैंने कहा चलें आपको उसे कनेक्ट कर लेते हैं
और आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। इन अदर न्यूज़ भाई, अम्मी हाई पहुंच चुकी है सऊदीया, ठीक है। और बल्कि मैं सोच रही थी कि मैं सुबह आप लोगों को बताया नहीं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें रिसेंटली जिन्होंने अभी ज्वाइन किए, जो लोग इशू से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि भाई अम्मी कहाँ जाती हैं, ठीक है। अम्मी जाती हैं भाई के पास सऊदीया। तो भाई अम्मी इस दफ़ा ईद करने जो है वो सऊदीया गई हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अम्मी जो है ना वो ईद पर गई हैं भाई के पास, और काफ़ी टाइम के बाद अम्मी का ये ट्रिप हुआ है। तो खैर अम्मी जो है वो खैरियत से पहुँच गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बच्चों की इशू होगी, अब सही है उन लोगों के, तो अब मज़े शुरू होंगे क्योंकि उनकी आ गई है दादू, सही है। और हम इधर हो गए उदास, क्या करेगा इस, थोड़ा बहुत तो होना पड़ेगा उदास, सही है। फिर सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अभी दो तीन दिन घर पर है, उसके बाद जब ऑफिस जाएंगे तो फिर रूटीन सेट हो जाएगी। तो चले गाइस, फिर मैं इस वाले ब्लॉग को यहाँ पे करने लगी हूँ एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप लोगों को वीडियो वाकई पसंद आई तो प्लीज़ जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द दोबारा से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।